नमस्कार दोस्तों, आई गेस आप सभी को हमारी आवाज आ रही होगी। वेलकम एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं गाइस सेशन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। हम टिश्यूज की बात भी करने वाले हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए गाइस हमारे को यहाँ पे। एकदम जल्दी से शेयर वेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और शुरू करते हैं गाइस सेशन को। ओके, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में कॉकरोच से रिलेटेड सवाल भी करने वाले हैं। हेलो, तो पहला सवाल गाइस आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। चलिए आइए देखते हैं, लेट्स सी। ओके, पहला सवाल है गाइस आपके स्क्रीन के सामने, आइए देखते हैं क्या सवाल दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, ओके, द इन द कॉकरोच इज या आर प्रेजेंट डैश। क्या लिखा है यहाँ पे ऑप्शन में? ओके, यहाँ लिखा है गिजार्ड, ओके, 6 to 8 ब्लाइंड सीका, प्रॉप या फिर 100 to 150 फिलामेंटस मैल्फिजियन ट्यूब्यूल। क्या लगता है गाइस पहला सवाल है ये वाला? जल्दी से बता दीजिएगा। लेट्स सी क्या होना चाहिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया ये आपके स्क्रीन के सामने। इसका आंसर 1 नंबर का ए हो जाएगा। याद रखिएगा मिडगट और हाइंडगट बोला है। फोरगट और मिडगट के बीच में आपको हेपाटिक सीका मिलते थे, ठीक है, और मिड और हाइंड के बीच क्या मिलने वाले हैं? ओके, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स मिले, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल मिलने वाले हैं। हेलो, नो साउंड, कैसे साउंड है? ओके, आप एक बार रिफ्रेश कर लो, साउंड आ रही है यार? ओके, है ना, आवाज आ रही है ना सबको? आप मुझे एक बार कंफर्म कर देना कि वॉइस ऑडिबल है या नहीं है, ठीक है? आई गेस ऑडिबल है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मेरे को सिस्टम में कि पूरा सही चल रहा है। हाँ हेलो, ओके, आ रही है ना ऑडिबल? ओके चलो, कोई नहीं, ठीक है। तो जिनकी नहीं आ रही है वो एक बार रिफ्रेश कर लो बैक जाके, हो जाएगा उनका भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने आसानी से डन कर दिया। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू आ रहा है आपके स्क्रीन के सामने। सवाल क्या है सवाल गाइस? ओके, द एपिथीलियम, मैं यहाँ नंबर डाल दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। द एपिथीलियम ऑफ द डैश ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई। तो यहाँ पे गाइस माइक्रोविलाई किसके साथ पास होगा? हाँ हाँ आवाज तो आ रही है गाइस। ओके, नो साउंड नहीं, आवाज आ रही है। देवोश्मिता ने आंसर दे दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में पीसीटी आ जाएगा। पीसीटी के पास क्या हो जाता है गाइस? माइक्रोविलाई मिलती है। यस, आपको पता है ये वाला, ईसीटी गॉट माइक्रोविलाई, राइट, है ना? ईसीटी के पास क्या मिल रहा है गाइस? माइक्रोविलाई मिल रहा है। इजी था, है ना? और नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ओके चलो एक बार जस्ट चेक कर ले रहे हैं कि इंटरनेट सही में वर्क कर रहा है ना प्रॉपरली, या फिर कुछ कोई दिक्कत है। एक सेकंड जस्ट चेक आउट कर ले रहे हैं। हाँ ठीक ही है यहाँ पे। चलिए आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। यहाँ पे लेट्स सी नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और प्यार से सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे थोड़ा बड़ा सवाल दिया गया है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। सो गाइस यहाँ पे करेक्ट क्या है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ लिया गया गाइस यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। चलिए आइए बताइएगा करेक्ट स्टेटमेंट क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या होना चाहिए? ओके चलिए बता दीजिए यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए गाइस क्वेश्चन नंबर। ओके क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 3 है। तो 3 में क्या सभी राइट हैं क्या? यस, 3 में सभी राइट हैं, तो इसको भी मार्क कर लीजिएगा दोस्तों। 3 में क्या है? सभी राइट हैं, ठीक है। ओके लेट्स सी। ओके आओ एक और प्यार से सवाल करते हैं। तो इसमें सभी राइट कैसे आ रहे हैं? स्क्वामस एपिथीलियम इन्वॉल्व्ड इन डिफ्यूजन बाउंड्री बना रहा है। हाँ डिफ्यूजन बाउंड्री बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं डिफ्यूजन बाउंड्री? आपने एल्वेलर एपिथीलियम पढ़ा था एल्वेलस में, है ना? उसके बाद क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथीलियम हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये भी सही है। फंक्शन ऑफ सिलिएटेड, सिलिएटेड एपिथीलियम क्या करते हैं? इनके ऊपर जो सिलिया रहते हैं ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने में मदद करते हैं पार्टिकल्स को या म्यूकस को, है ना? जैसे आपने एग्जांपल पढ़ा था सिलिएटेड, कहाँ पे? फिलोपियन ट्यूब में पढ़ा था, है ना? ओके आज 9 बजे क्लास है। हाँ तरुण है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट ए नर्व सेल फ्रॉम अदर सेल। ओके कौन सा स्ट्रक्चर गाइस नर्व सेल को अदर सेल से डिफरेंशिएट कर सकता है? क्या लगता है गाइस क्या होना चाहिए इसका आंसर बताइएगा। यस, अगर आपका आंसर, क्योंकि देखो न्यूक्लियस तो सभी सेल में ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं, तो नर्व सेल के पास न्यूक्लियस है, दैट डजंट मीन कि उसको डिफरेंशिएट कर दिया। फ्लैजेला तो है ही नहीं उनके पास, तो कैसे होगा? वैक्यूल्स? नो, आंसर आ जाएगा डेंड्राइट्स एंड पेरिकारियन। इसको सराउंड करके स्ट्रक्चर पेरिकॉरियन एंड डेंड्राइट। आंसर है दी स्ट्रक्चर्स सेपरेट या डिफरेंशिएट नर्व सेल फ्रॉम अनदर सेल।
दूसरे सेल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं ये सारे, राइट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, वनीला ने आंसर दे दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है गाइस, बताना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया गाइस आपसे सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 आराम से रीड करना। ओके चलो मैं यहाँ हेडिंग डाल दे रहा हूँ, हिस्टियोसाइट इज ए कनेक्टिव टिश्यू सेल विच टेक्स पार्ट इन। हिस्टियोसाइट का काम क्या गाइस बताना आप, क्या क्या काम है हिस्टियोसाइट का गाइस। चलिए हिस्टियोसाइट बता देना, गो फॉर इट, क्या लगता है क्या होना चाहिए गाइस यहाँ पे आंसर हिस्टियोसाइट्स के रिलेटेड। हिस्टियोसाइट क्या काम करते हैं, फेगोसाइटोसिस, ये टिश्यू में प्रेजेंट रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, और ये क्या काम करते हैं, फॉरेन बॉडी को इनगल्फ करने। ओके तो टिश्यू मैक्रोफेज के रूप में आप इनको लिख सकते हो, ठीक है, आप इनको टिश्यू मैक्रोफेज के रूप में लिख सकते हो, यू कैन राइट दैट डाउन एज ए टिश्यू मैक्रोफेज, राइट। ये क्या काम कर रहे हैं, ये फेगोसाइटोसिस काम कर रहे हैं, राइट। तो आंसर आ गया नंबर 5 का, क्या हो गया गाइस 5 का नंबर डी आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या सवाल है, न्यूरोग्लिया आपसे क्या पूछा गया गाइस न्यूरोग्लिया के बारे में। चलिए बताइए व्हाट इज, यहाँ पे पूछा गया व्हाट आर द ऑप्शंस व्हिच कैन बी करेक्ट रिगार्डिंग न्यूरोग्लिया। आ जाओ पढ़ते हैं न्यूरोग्लिया के बारे में, न्यूरोग्लिया में सबसे लास्ट से पढ़े, न्यूरो ट्रांसमिशन में मदद करते हैं क्या ये। ओके एसेंशियली एक्टोडर्मल, जरूरी नहीं एक्टो मेसोडर्मल हो जा रहे हैं क्योंकि इसमें मेसोडर्मल ओरिजिन वाले सेल भी रहते हैं, ठीक है। नाउ आप प्रेजेंट इन द ब्रेन बट एब्सेंट इन स्पाइनल कॉर्ड, गलत है, ठीक है, सीएनएस के ही। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो लिखा है नर्वस सिस्टम का मोर देन वन हाफ बना रहे हैं, मतलब मोर देन 50%, मोर देन 50% ऑफ द वॉल्यूम कहाँ से आ रही है भाई, मोर देन 50%, यस वेरी गुड, कहाँ से, न्यूरोग्लिया के थ्रू। आज रात को 9 बजे एक स्पेशल सेशन है जहाँ पे आपके जो भी डाउट्स होते हैं ना कि किस किताब को फॉलो करना चाहिए, क्या टाइम टेबल लिटरली सही में मैटर करता है क्या, सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी, क्या। ओके तो रात 9 बजे इस चैनल पे भी लाइव होगा और आपको पता है अनअकैडमी के ऐप पर भी दिखेगा, दोनों जगह ही विजिबल होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़े, आइए क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन इन अडल्ट बॉडी। अडल्ट के बॉडी में गाइस मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन कौन सा हो जाता है, चलिए बताइएगा, मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन न्यूरॉन कौन सा है अडल्ट बॉडी में, क्या लगता है क्या होना चाहिए। यस आंसर है मल्टीपोलर, जनरली कहाँ पे मिलता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपने पढ़ा है ना। ओके कॉमन लोकेशन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन पोजेस इट्स न्यूक्लियस। तो न्यूरॉन के न्यूक्लियस कौन सा पार्ट पोजेस करके रखता है, आपको ये बताना है, गो फॉर इट, क्या लगता है क्या होना चाहिए बताइएगा। अगेन सर, ओके चलो इसका आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ देम नहीं होने वाला गाइस, इसका आंसर हो जाएगा साइटोन या सेल बॉडी, क्योंकि एक्सॉन के पास थोड़ी रहता है। याद करो जब आप एक न्यूरॉन बनाते हो कुछ इस प्रकार से, है ना, दीज आर द डेंड्राइट्स इफ यू डू रिमेम्बर, ठीक है। तो इस जगह पे प्रेजेंट होता है ना न्यूक्लियस, साइटोन के पास होता है। तो 8 का आंसर क्या आ गया, ए आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या असर्शन रीजन सवाल दिया गया है, आराम से रीड करो और आंसर बताना। एआर के बारे में, द सर्फेस ऑफ द स्किन इज इम्पर्वियस टू वाटर, द सर्फेस ऑफ द स्किन इज कवर्ड बाई स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम, बताइएगा। चलिए ताला लगा दीजिए जल्दी से, क्या लगता है 9वां नंबर सवाल पे, हम लोग भी रीड कर लेते हैं या 9th लिख दे रहा हूँ मैं। सर्फेस ऑफ द स्किन इम्पर्वियस टू वाटर, सही है। सर्फेस ऑफ द स्किन क्यों भाई, यस मल्टीपल लेयर्स है, केराटिनाइजेशन होके रखा था ना, डिपॉजिट होके रखा है। देन उसके बाद यहाँ पे द सर्फेस ऑफ द स्किन इज स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल गलत है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस होता है। तो इसमें ये करेक्ट है ये रॉन्ग है, असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। तो आंसर आ गया 9 का, क्या हो जाएगा गाइस 9 का डी हो जाएगा, राइट 9 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आपकी स्क्रीन के सामने, द गैप बिटवीन एडजेसेंट श्वान सेल, श्वान सेल के बीच के जो गैप हो रहे हैं उनको क्या नाम दिया जा रहा है, चलिए बताइएगा। श्वान सेल के बीच के जो गैप्स हैं गाइस उनका नाम क्या है बताना आपको, द गैप बिटवीन द एडजेसेंट श्वान सेल्स आर कॉल्ड एज, क्या नाम दिया जा रहा है उन गैप्स को, चलिए बताइए। बेसिक है, मार्क करके आंसर बताइएगा, गो फॉर इट। ओके चलिए बताना क्या लगता है यहाँ पे क्या होना चाहिए,
आगे आंसर कमेंट कर दो जल्दी से, क्या लगता है भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए? यस वेरी गुड, क्या हो जाएगा? इसको साइनेप्स बोलेंगे? नो, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रैंगर। याद करना, तभी तो साल्टेटरी मैकेनिज्म दिखता है ना, जंपिंग वाला, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके है, तो ये यहाँ से जंप 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 चलता है ना, याद आ रहा होगा। तो आंसर है गाइस 10 का B, 10 का B हो जा रहा है, दैट इज नोड्स ऑफ रैंगर। क्या होगा? नोड्स ऑफ रैंगर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, आपको यहाँ पे मैचिंग करने बोली गई है, तो चलो आओ मैच करते हैं। थोड़ा साइड हट गया जिससे आपको प्रॉपर विजिबल हो। आइए बताइए क्या लगता है गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होना चाहिए? टेक योर टाइम। ओके देवेश ने आंसर किया, ये वाला बता दो 11 का क्या होगा। 11 का भी बता दिया क्या? चलो चेक करते हैं, आप पहले मार्क कर दो फिर 11 का चेक करेंगे। लेट्स सी, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है यहाँ पे? एडरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन और टाइट जंक्शन। ठीक है, टाइट जंक्शन क्या करेगा? ओके यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्टॉप कर देगा ना, स्टॉप कर देगा। कम्युनिकेशन कौन बनाने देगा? गैप जंक्शन बोलेगा कम्युनिकेट कर लो। सीमेंटिंग का काम एडरिंग करेगा, तो ए का 2 हो जाएगा, बी का क्या होना चाहिए? बी का 3 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा। तो आंसर आ गया गाइज 11 का B, 11 का B आ गया ना। ओके डी कहाँ से हो रहा है? नहीं ना, ओके डोंट वरी, अच्छा हुआ आप लोग डाउट है पूछ लो। ओके ये डाउट्स जो है वो क्लियर होते जाए, राइट। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 डन हो गया, 12th करेंगे। 12th नंबर सवाल करने वाले हैं, तब तक आप बताओ कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। ओके डोंट वरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये भी बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे? कंपाउंड स्क्वामस एपिथीलियम इज फाउंड इन। कंपाउंड स्क्वामस एपिथीलियम कहाँ पे मिलता है गाइस? कंपाउंड स्क्वामस, चलो बता दो, गो फॉर इट मैन, क्या होना चाहिए? कंपाउंड स्क्वामस एपिथीलियम कहाँ मिलेगा? इजी सवाल है, यस इजी तो है। कंपाउंड स्क्वामस बोला है, कंपाउंड मतलब मल्टी लेयर्ड आ रहे हैं ना। इंटेस्टाइन नो, स्टमक नो, ट्रेकिया नॉट एट ऑल, ये कंपाउंड स्क्वामस नहीं मिलता है। आंसर है फेरिंग्स। ओके कंपाउंड का काम क्या है? एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना, मल्टी लेयर्ड हो गया तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो फेरिंग्स में मिलता है गाइस स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, राइट। और ट्रेकिया में क्या मिल रहा था? आपने अगर पढ़ा था, क्या पढ़ा था? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड एपिथीलियम है ना, ये वाला पूरा पढ़ा था एकदम सीक्वेंस में। स्यूडो स्ट्रेटिफिकेशन होता है कि लगता है मल्टी लेयर्ड है, बट दैट्स एक्चुअली नॉट मल्टी लेयर्ड, राइट। ओके कोई बात नहीं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन के सामने आ रही है क्वेश्चन नंबर 13, मार्क करके आंसर बता देना, क्या लगता है क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 13 में? क्वेश्चन नंबर 13 आ गया, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट डैश, ओके द सेल सिक्रीट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलाजन और इलास्टिन। सब में होता है बट इसमें नहीं होता, किस में नहीं होता? आपको ये बताना है कि किस में नहीं होता, चलिए बताइएगा। जल्दी से बता दीजिए क्या लगता है क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, ऑब्वियसली ब्लड के अंदर फाइबर्स हैं क्या? ब्लड के अंदर तो फाइबर्स नहीं है ना, ब्लड के अंदर फाइबर्स नहीं है, तो लगाइए आंसर क्या हो जाएगा 13 का गाइस। 13 का आंसर हो जाएगा बी, बी ब्लड बोला है ना, तो ये थोड़ी होगा, बी फॉर ब्लड बोल रहा हूँ, नॉट आंसर बी। एनी वेज तो आंसर लगा दीजिएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? ओके ब्लड, चलिए लगा दीजिए, ब्लड हो गया, ब्लड के अंदर फाइबर्स नहीं है, तो आंसर आ गया नंबर ए। इनका क्या हो गया? ये हो गया। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इफ आरबीसीज आर प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर दे विल, अगर आपने आरबीसी को डिस्टिल्ड वाटर में रख दिया तो क्या होगा? डिस्टिल्ड वाटर में रख दिया, आरबीसी के अंदर क्या है गाइस? ओके वाटर की कमी है, डिस्टिल्ड वाटर अंदर जाने लग जाएगा, तो आरबीसी क्या होगा? डेवलप होगा, और आरबीसी के पास सेल वॉल नहीं है, तो आरबीसी क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड बर्स्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि डिस्टिल्ड में रखा है आपने, राइट। अगर इसको बहुत ज्यादा सॉल्टी में रख देते तो क्या होता? आरबीसी श्रिंक हो जाता। तो इसका आंसर आ गया 14 का नंबर सी, जो बता देना यहाँ पे अगर आपका क्लियर। यस देबुष्मिता ने बहुत सही आंसर किया, तेजल, देवेश। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, देखो धीरे धीरे करके आप बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो। आओ नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर सवाल क्या है? द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली, कहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है आपको ये बताना है।
चलिए बताइए, गो फॉर इट, यहाँ पे क्या लगता है क्या होना चाहिए? मार्क करके आंसर बता देना, गो फॉर इट। बेसिक है, थोड़ा सा ध्यान दो आंसर आ जाएगा, ज्यादा स्ट्रेस लेने वाली है नहीं क्वेश्चन में ये। वैसे चलो आंसर आया, तो ये एडिपोज टिश्यू, फैट वाला जो टिश्यू है उसमें रखेंगे ना। तो 15 के आंसर बी देबोश्मिता ने दिया, जय जय क्या लिख रहे थे, एडिपोज हो जाएगा ना, एडिपोज में फैट स्टोर हो जाता है, याद करिए, एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर हो जाता है। ऐसे करके मान लो ये फैट है, इसका न्यूक्लियस साइड में चल गया है ना, तो इसका आंसर आ गया 15 का बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया गाइस, इंटरेस्टिंग वन, रीड करिएगा। फ्रॉग्स हार्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूस टू बीट फॉर सम टाइम, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या लगता है, क्या होना चाहिए? बेस्ट ऑप्शन आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए यहाँ पे? ठीक है, फ्रॉग का हार्ट को निकाल के रखा लेकिन फिर भी वो बीट कर रहा है। इंसान के हार्ट के साथ भी सेम चीज होती है, तो इंसान का और कोई है, फ्रॉग दोनों का हार्ट क्या मायोजेनिक है। ठीक है, हार्ट इज मायोजेनिक, मायोजेनिक हो जा रहा, मायोजेनिक मतलब हार्ट खुद को कंट्रोल कर रहा है ना, हार्ट क्या कर रहा है, खुद को कंट्रोल कर रहा है। तो 16 का आंसर क्या आ जाएगा गाइज, अगेन 16 का आंसर आ गया डी। देखो कितना आसानी से आपने मार दिया आंसर। वैसे गाइस आपको पता है, अनअकैडमी ने स्पेशल अभी प्राइस वीक चला के रखे हैं अनअकैडमी वाले, तो इन्होंने क्या किया, प्राइस ड्रॉप कर दिया है। अगर आप यहाँ पे रेफरल कोड जो होता है वहाँ पे अगर आप सौरभ लाइव लगाते हो, सारे बैचेस खुल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर से आप पढ़ पाओगे, मतलब वन सब्सक्रिप्शन सारे बैचेस। और इन ये कुछ बच्चे देख रहे हो एकदम बढ़िया स्कोर लेकर आए हैं नीट में, आप भी ऐसा ला सकते हो गाइज। आपके पास एक चांस है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने से सोच रहे हो लूँ नहीं लूँ, तो आप एक काम कर सकते हो। सबसे पहले ये 10 to 17 है ना, आप एक काम करिएगा, अनअकैडमी रिवाइव दे के देख लो। रिवाइव के लिए नीचे लिंक दी गई है, द रेफरल कोड अगेन बीइंग सौरव लाइव। इसमें क्या है ना कि आपको एश्योर्ड स्कॉलरशिप मिलने के चांस है, आप स्कॉलरशिप ले लो, रिवाइव में नीचे लिंक दी गई है, एनरोल कर लो, वहाँ पे सौरव लाइव लगा। और इसमें क्या है ना, देखो अगर आप 1200 रैंक के अंदर लाते हो ना, तो आपको 15% तक का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर आप 100 से 200 तो 50%, 50। और अगर रैंक 1 to 100 ले आए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी यार, 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा आपको। और अगर यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप मतलब पूरी फ्री हो जाती है प्लस की, ऐसा नहीं है कि ट्यूशन फी पे 100% है एंड ऑल। ठीक है, यहाँ 100% मतलब 100% फ्री। ओके, और उसके साथ ही साथ आपको आईपैड भी मिलेगा 1, 2, 3 रैंक वालों को, और 4 से 10 वालों को अमेजोन के वाउचर्स। तो मिस मत करो, इनफैक्ट ऑन द टॉपिंग बोलते हैं ना, उसमें क्या है, मेंटरशिप मिलेगी टॉप 100 को। ओके, तो देखो ये बैच आज से लॉन्च हुआ है, ड्रीम टीम 2.0, ये दोनों हैं, आप दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हो। एंड एवरी संडे आपको पता ही है कि सुबह 11 बजे कॉम्बैट होता है, इसमें भी आपको रैंक 1, 2, 3 वालों को फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो ऐसे मौके बार बार नहीं आते, मिस मत करो इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया, इस गॉबलेट सेल, गॉबलेट ग्लैंड लिख दिया गया है दो यहाँ पे। चलो बताओ गॉबलेट सेल्स के बारे में क्या लगता है क्या होना चाहिए? हाँ, गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल यूनिसेलर होते हैं, तो इनको काट दो। अब वो एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन बता दो, एंडोक्राइन थोड़ी होंगे, हॉर्मोन्स थोड़ी निकालने हैं, एक्सोक्राइन हो जाएंगे। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा गाइस, 17 का सी हो गया है ना, 17 का क्या हो गया, सी हो गया। आप यहां से देख रहे हो कितना आसानी से निकाल दिया आपने। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 डन, क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। और वैसे गॉबलेट सेल से क्या निकल रहा था, म्यूकस। ओके, ये बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर सवाल, पेरिस्टाल्सिस इज परफॉर्म बाय, पेरिस्टाल्सिस कौन परफॉर्म करेगा आपसे पूछा गया है। ओके, हुल परफॉर्म पेरिस्टाल्सिस, चलो बताओ क्या लगता है यहाँ पे। ओके हाँ, आई गेस जय ऐसा ही लग रहा है। चलिए ये बताइए क्या लगता है गाइस, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पेरिस्टोल्सिस इज परफॉर्म्ड बाय। ओके गो फॉर इट, चलो जल्दी से बता दो यहाँ पे, लेट्स सी। ओके 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 वेरी गुड, चलो ये बताइएगा पेरिस्टोल्सिस जो हो रहा है, याद रखिएगा ये कौन से मसल करते हैं, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया स्मूथ मसल के लिए, जल्दी से आंसर कर दो, स्मूथ के लिए नॉन स्ट्राइटेड दिया है, क्या दिया है, वेरी गुड। देवेश ने बहुत सही आंसर किया, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिख दिया गया, नॉन स्ट्राइटेड, तो आप आंसर कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 19,
19वां नंबर सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कार्डियक टिश्यू? कार्डियक टिश्यू के लिए क्या सही है? आपको ये बताना है कार्डियक के लिए क्या सही है, क्या लगता है क्या होना चाहिए? ओके कार्डियक के लिए ताला लगा दीजिए जल्दी से, लेट्स सी यहाँ पे क्या होना चाहिए। ओके ओके कर दो जल्दी से भाई, कर दिया यस तो कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल, तो कार्डियक में क्या हो जा रहा है यहाँ पे, देखो दे मे गेट फटीग, ये गलत हो रहा है, वो फटीग नहीं हो पाएंगे। ओके देन उसके बाद माय फाइब्रिल कम्प्लीटली लैक, गलत है, स्ट्राइटेड है ना फाइबर, ये कार्डियक मसल जो फाइबर है वो स्ट्राइटेड है, कॉमनली मल्टी न्यूक्लिएट नहीं यूनि न्यूक्लिएट होता है, तो स्केलेटल मसल वाले जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। तो इसका आंसर आ गया 19 का ए, 19 का ए हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक चीज याद रखना, कार्डियक मसल जो टिश्यू है उसको फंक्शनल सिंसिटियम बोलते हैं, फंक्शनल सिंसिटियम मतलब फंक्शनली वो बिहेव करता है एक टिश्यू के जैसा, ये एक सिंगल के जैसा, बट वो है नहीं वैसा, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर सवाल आ गया, क्या सवाल है गाइस? 20, एल्बुमिन इन प्लाज्मा हेल्प्स इन, प्लाज्मा में जो एल्बुमिन होता है वो क्या चीज में मदद करता है? चलो अरे हाँ जय, ऐसे ही लग रहा है, एनीवेज ओके एल्बुमिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है एल्बुमिन, तो क्या करेगा? ऑस्मोटिक बैलेंस में मदद करता है, किसमें मदद करता है गाइस? ये प्लाज्मा प्रोटीन ऑस्मोटिक बैलेंस में, राइट, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में। ओके नाउ ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था आपने 20 का ए। नाउ 21, इन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स नोड ऑफ रैनवियर्स आर, नोड ऑफ रैनवियर्स किन को बोलते हैं गाइस, क्या लगता है? व्हाट आर नोड ऑफ रैनवियर्स? चलिए बताइए, नोड ऑफ रैनवियर्स आर स्वेलिंग ऑन एक्सॉन, नो स्टमक वॉल, नो स्ट्राइटेड मसल, नो। आंसर आ गया एरिया वेयर द माइलिन शीथ इज एबसेंट, नोड ऑफ रैनवियर के कारण ही साल्टेटरी मैकेनिज्म दिखता है, जंप कर करके जाना ना, तो 21 का आंसर आ जाएगा गाइस नंबर डी, 21 का आंसर क्या हो जाएगा? नंबर डी हो जाएगा, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या सवाल है आइए बताइएगा, क्या लिखा गया गाइस यहाँ पे? म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम आर सिक्रेटेड बाय, कौन से ग्लैंड सिक्रीट करते हैं बता दो जल्दी से, कौन से ग्लैंड क्या का सिक्रीशन है ये सारे? गो फॉर इट, क्या लगता है क्या होना चाहिए बता दीजिए जल्दी से, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से कर दो, क्या हो जाएगा? आ गया आंसर, यस आ गया, डोंट वरी। क्वेश्चन कितना था ये वैसे? ये था हम लोगों का आई गैस 22, 22 तो 22 का आंसर आ गया, एक्सोक्राइन हो जाएगा ना, ओके एंडोक्राइन तो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, ओके वेरी गुड। चलो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सार्कोमियर, सार्कोमियर किसे कहते हैं? आपसे यहाँ पूछ लिया गया है कि भाई सार्कोमियर का डेफिनेशन, द पार्ट बिटवीन टू जेड लाइंस, बिटवीन टू क्या हो जाएगा गाइज यहाँ पे, बिटवीन टू जेड लाइंस ना, टू जेड लाइन के बीच वाला, तो उसको क्या बोलेंगे? सार्कोमियर बोलेंगे, वहां से आंसर कर दिया आपने, राइट, पार्ट बिटवीन टू जेड लाइंस, नॉट आई बैंड्स, ठीक है, जेड लाइंस के बीच का। जेड लाइन क्या करते हैं? आई बैंड को बाइसेक्ट करते हैं, आपको वो याद है ना? क्वेश्चन नंबर चलिए फिर 23 हो गया, 24th और 25th को भी करते हैं साथ साथ, 24th नंबर सवाल आ गया, द काइंड ऑफ एपिथीलियम विच फॉर्म इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल इज, इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल कौन सा एपिथीलियम बनाने वाला है तो ये बताना है, चलिए जल्दी से बता दीजिए, इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल कौन बनाएगा, क्या लगता है क्या होना चाहिए? इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल मार्क कर दीजिए, तो चेक कर ले रहे हैं यहाँ पे कौन कौन आंसर कर रहा है, कर दिए नहीं किए तो डोंट वरी, मैं हेल्प करता हूँ। देखो वो जो होते हैं फ्लैटेंड सेल होते हैं, अब जब मैं बोल रहा हूँ फ्लैटेंड सेल होते हैं, फ्लैटेंड तो कौन सा एपिथीलियम आएगा? फ्लैटेंड जो एपिथीलियम होता है वो स्क्वामस होता है ना, 23rd का, ये 24th है सॉरी, 24th का डी, देबोश्मिता, दिबेश, जय, वेनिला, तेज, तेजल, श्रुति, जय, बहुत सही आंसर आ गया, स्क्वामस एपिथीलियम, 24 का क्या हो गया? डी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, 25 क्या सवाल है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज यू लाइक आर यू लाइकली टू कम अक्रॉस सेल जंक्शन मोस्ट फ्रीक्वेंट, सेल जंक्शन आपको कहाँ पे मिलते हैं गाइज ये बताना आपको, सेल जंक्शन यही मिलते हैं सौरभ भैया, जल्दी बता दो फिर कहाँ मिलते हैं सेल जंक्शन, क्या लगता है क्या होना चाहिए? सेल जंक्शंस कहाँ मिलते हैं? गो फॉर इट, जल्दी से ताला लगा दो, लेट्स सी यहाँ पे देखते हैं कौन कौन आंसर कर रहा है,
ओके, चलिए बता दीजिए। आ गया आंसर। सेल जंक्शंस कहाँ मिले आपको? यस वेरी गुड। एपिथीलियम। एपिथीलियम कौन सा एपिथीलियम? सिलिएटेड एपिथीलियम। तो 25 का आंसर लगा दो। वेट किस बात का? 25 का लग गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर सवाल आ गया। एक और क्या सवाल दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर बोन प्रेजेंट इन मैमल? मैमल में जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं उसके लिए गलत क्या है? यहाँ पे आपको क्या बताना है कि इस गलत बताना है। चलो फिर बताओ जल्दी से, गलत क्या है यहाँ पे? तो गलत लग रहा है तो बता दो क्या गलत है, जल्दी से बताओ। ओके जल्दी से ताला लगा दो। क्या लगता है क्या होना चाहिए? आ गया आंसर? नहीं आया। अब मैं हेल्प करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इनकरेक्ट बोला है। लिखा आर नेवर इन्वॉल्व इन हेमाटोपोइसिस। ये तो गलत है ना। ये जो बोन्स होते हैं उनके बोन मैरो यूज होते हैं ना, बोन मैरो क्या करते हैं? हेमाटोपोइसिस करके देते हैं। तो दिस इज रॉन्ग ना। तो क्या हो जाएगा 26 का? ये हो जाएगा, देवोश्मिता ने आंसर किया, और भी सबने अलग अलग आंसर किया, डोंट वरी, बट दिस इज रॉन्ग। क्योंकि यहाँ लिखा है नेवर इन्वॉल्व, तो ये गलत है। नेवर इन्वॉल्व वाला लाइन गलत हो गया ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये गया आपका 27। 27 में क्या पूछा गया? मेल एंड फीमेल कॉकरोच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एक्सटर्नली थ्रू। एक्सटर्नली कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो मेल फीमेल? मेल सार, वैसे आपको याद है मेल सार क्या हो जाते हैं? मेल सार स्टाइलिश। तो लगा दीजिए आंसर। वेट किस बात का है? लगा दीजिए, मेल सार स्टाइलिश हो जाएगा। अलग गया आंसर। और नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बताइएगा क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 28 गाइस, मास सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेन, उसमें डी नहीं होगा याद रखना। चलो अब ये बता दो, मास्ट सेल जो हो रहे हैं ना, वो क्या क्या कंटेन करते हैं? मास्ट सेल के पास ग्रेन्यूल्स में क्या क्या होते हैं? हेपारिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। यस, तो आंसर आ गया 28 का सी। 28 का क्या हो गया? सी। 29 नंबर सवाल, आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज का बाहरी कवरिंग का नाम क्या दिया जाता है? आपको ये बताना है कार्टिलेज का बाहरी कवरिंग का नाम क्या दिया जाता है। चलिए जल्दी से बोल दो, क्या लगता है क्या होना चाहिए? हाँ, कार्टिलेज का बाहरी कवरिंग का नाम। गो फॉर इट, फास्टर फास्टर जल्दी से बोल दो। ठीक, इंतजार कर चल रहा है, जल्दी बोल दो क्या होना चाहिए। अगेन सर, लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पे। यस वेरी गुड, आ गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़िए। फिर अगर आपने ये कर दिया आंसर बहुत आसानी से, तो मैं हेल्प कर दे रहा हूँ। देखो कार्टिलेज मतलब कॉन्ड्री, कॉन्ड्रियम हो जाएगा, पेरिकॉन्ड्रियम। आंसर आ गया 29 का ए। चलो फिर 30 करते हैं। 30 नंबर सवाल है, क्या सवाल दिया गया? इनर सरफेस ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज लाइन बाय। फेलोपियन ट्यूब में क्या है? ओवम को मूव करवाना है ना, पढ़ा था ना। तो क्या हो जाएगा? इसमें सिलिया आना चाहिए, इसमें सिलिया आना चाहिए। तो बताओ फिर, सिलिया अगर आना चाहिए तो आंसर क्या होना चाहिए? जब सिलिया आना चाहिए तो आंसर बताइए फिर, क्या लगता है क्या होना चाहिए? यस इजी है, इजी है, लगा दीजिए आंसर। आ गया यस, तो सिलिएटेड एपिथीलियम हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या पूछा है गाइस आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल जंक्शन इज नॉट फाउंड इन एनिमल? वो प्लांट में मिलता है और आपने प्लांट में सुना है वो, तो किस में सुना है वो, नाम बता दो जल्दी से। क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या होना चाहिए यहाँ पे? लगा दीजिए ताला, आसान है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 31 में, यस प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट्स में सुना है ना, आपने एनिमल्स में नहीं सुना है। तो आंसर आ गया नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 आ गया। क्या सवाल है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ये भी मैंने करवाया है। एब्जॉर्प्शन या फिर सिक्रीशन, और सिक्रीशन किसका काम है? ये किसका काम है आपको ये बताना है। चलो फिर ताला लगा दो, चलो किसका काम है ये, एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन? क्यूबॉइडल का काम है ना, देखो सिलिएटेड मूव करवाएगा। स्क्वामस क्या कर रहा है? एक लेयर दे रहा है डिफ्यूजन बाउंड्री। स्ट्रेटिफाइड वाला जो है वो प्रोटेक्शन में मदद कर रहा है। तो इसका आंसर आ गया 32 का नंबर डी। क्यूबॉइडल या कॉलमनार ऑप्शन के ऊपर है कैसा देगा। क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर सवाल, कॉकरोच के बारे में बोला। कॉकरोच क्या एक्सक्रीट करते हैं? आपको वही बताना है कि कॉकरोच का मोड ऑफ एक्सक्रीशन क्या है। चलिए बताइएगा कॉकरोच का मोड ऑफ एक्सक्रीशन, बताओ क्या लगता है क्या होना चाहिए? मार्क कर देना यहाँ पे। आसान है, आसान है, आसान आसान है दोस्तों, तो जल्दी से बताओ। आसान है तो ओके, गो फॉर इट। क्या लगता है क्या हो जाएगा? ताले लगा दिया, लग गया, आसान था, थोड़ा सा ध्यान देते तो आंसर आ जाता। डोंट वरी, आउट नेक्स्ट सवाल करते। ओके, इसका आंसर हो जाएगा यूरिक एसिड।
देर बोल दिया, आंसर ही नहीं बताया। यूरिक एसिड तो यूरिकोटेलिक बोलते हैं, और इनमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं? मेलफिजियन ट्यूब। क्या पढ़ा आपने? मेलफिजियन ट्यूब्यूल पढ़ा था ना। क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। द बल्बस स्ट्रक्चर, जो ये नंबर दे दे रहे हैं, द बल्बस स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड ऑफ एन एक्सॉन इज। टर्मिनल एंड ऑफ एन एक्सॉन पे जो बल्बस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फूला हुआ स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं? ओके, उसके लिए कोई नाम है? नाम तो है, तो चलिए बताइए फिर क्या नाम है। यस वेरी गुड, उसको साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं, नॉट द वेसाइकल, पहले बोल रहा हूँ, उसको नॉब बोलते हैं। ठीक है, तो 34 का आंसर आ गया नंबर बी। 34 का बी। 35 करते हैं। 35 नंबर सवाल आ गया, ट्रांजिशनल एपिथीलियम। ट्रांजिशनल एपिथीलियम किसमें मिलेगा? आपको यहाँ पे बताना है कि ट्रांजिशनल एपिथीलियम कहाँ मिलता है। ट्रांजिशनल एपिथीलियम ब्लड वेसल नो, ट्रेकिया नो, किडनी नो, यूरेटर्स या ब्लैडर में मिलता है। ब्लैडर में मिलता है, लिख लीजिएगा। ट्रांजिशनल एपिथीलियम में एक खास बात है, जो ऊपर के जो सेल्स होते हैं वो थोड़ा ऐसे बड़े बड़े होते हैं, तो अम्ब्रेला सेल्स बोलते हैं। आप जब सर्च करोगे पता चल जाएगा कि सौरभ भैया सही बोल रहे हैं। ठीक है, एनीवेज आओ क्वेश्चन नंबर 36। लिगामेंट कनेक्ट, इसके लिए तो चीट कोड है, इसके लिए तो चीट कोड आपको याद है। पहले आप बताओ क्या लगता है, क्या होना चाहिए? चलिए बताइएगा। आया नेक्स्ट सवाल? ओके, गो फॉर इट, गो फॉर इट। इजी है, इजी तो है, थोड़ा सा ध्यान दोगे आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए बोलते हैं गाइस, देखो दो चीट कोड्स याद रखोगे, एक बोलते हैं MTB और एक बोलते हैं BLB। तो बोन लिगामेंट, बोन आ रहा है, तो बोन से बोन को कनेक्ट कर रहा है लिगामेंट, और एम मसल टू बोन कनेक्ट कर रहा है टेंडन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 37 कर। 37 कार्डियोमायोसाइट्स। कार्ड ओके, क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है कार्डियोमायोसाइट्स आर कनेक्टेड बाय। कार्डियोमायोसाइट्स कैसे कनेक्टेड होते हैं आपको ये बताना, गो फॉर इट। ओके, कार्डियोमायोसाइट्स कैसे कनेक्टेड हो रहे हैं? दे आर कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। मैंने बोला तो नहीं है ना? ओके, फ्लैजेला नो, इंटरकैलेटर डिस्क इज द आंसर ऑफ चॉइस 37 के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंटरकैलेटेड डिस्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या है? एपिथीलियम प्रेजेंट इन कॉर्निया, इसोफेगस, यूरेथ्रा एंड वजाइना। तो इस एपिथीलियम को क्या बोलते हैं जो कॉर्निया में, इसोफेगस, यूरेथ्रा एंड वजाइना में प्रेजेंट होते हैं? एपिथीलियम का नाम क्या हो जाता है गाइस? ग्लैंडुलर। देखो कॉर्निया से कुछ सिक्रेट हुआ, इसोफेगस नो, वजाइना ऑब्वियसली नॉट, इनसाइड द वजाइना कुछ नहीं है, वो आउटसाइड द वजाइना ओपनिंग होती है। आपने पढ़ा था ग्लैंड्स के बारे में है ना, आउटसाइड, आउटसाइड द वजाइना कौन सा पढ़ा था? बार्थोलिन्स। ओके, ऑन ईदर साइड ऑफ वजाइना, आप ऐसे याद किए हो। इसका आंसर आ जाएगा 38 का डी हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। 38 का क्या होना चाहिए गाइस? डी हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक और प्यार से सवाल है, क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर सवाल, 39 में क्या दिया गया है आपको? कार्टिलेज कहाँ कहाँ मिलता है आपको बताना है गाइस, कार्टिलेज का लोकेशन, कार्टिलेज कहाँ कहाँ मिल सकता है, बस बता दीजिए जल्दी से। लेट्स सी, देख लीजिए, बताइए आंसर क्या हो जाएगा, मार्क कर दीजिए, फिर मैं ताला लगा दे रहा हूँ। ओके, गो फॉर इट। आ गया आंसर? यस आ गया, डोंट वरी, नहीं आया तो हर जगह मिलते हैं, नोज में भी है, नेजल इस साइड है, ईयर के हैं, देन उसके बाद लैरिंग्स के तो है ही ना। लैरिंग्स में टोटल 9 कार्टिलेज होते हैं, आप ये याद रख सकते हो, 9, 3 पेयर्ड, 3 अनपेयर्ड, 3 पेयर्ड, 3 अनपेयर्ड होते हैं लैरिंजियल, लैरिंग्स के टोटल। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आ गया गाइस, द डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच में जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? कॉकरोच में डेवलपमेंट कैसा होता है आपको ये बताना है। चलो यस वेरी गुड, पोरो मेटाबोलस हो जाता है डेवलपमेंट। कितने टाइम मोल्टिंग होती है, कितने टाइम मोल्टिंग होती है? वैसे आपको आता है, स्टिल मैं पूछ रहा हूँ, चलिए जल्दी बताइएगा। ओके, मोल्टिंग कितने बार हो गई? 13 टाइम्स, 13 टाइम, राइट। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 नंबर सवाल, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, थिन मेल्फिजियन ट्यूब्यूल इन प्रेजेंट इन कॉकरोच आर प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ डैश एंड डैश। थिन मेल्फिजियन ट्यूब्यूल का लोकेशन कहाँ होगा आपको लोकेशन बताना है। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल कहाँ था गाइस? मिडगट और हाइंडगट के बीच में था है ना, मिड और हाइंड, 100 से 150 नंबर भी हमने बताया था आपको है ना, नंबर बता दिया था। एनी वेज आओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। 42 में पूछ लिया गया गाइस आपसे यहाँ पे, बेसिक यूनिट क्या है कॉकरोच की आई का। अगेन एकदम वेरी बेसिक सवाल, कॉकरोच की आई का, तो जल्दी से बता दो क्या होना चाहिए। ओके, आया आंसर?
यस वेरी गुड आंसर आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमा टीडिया बोलते हैं इसको, 42 का ओमा टीडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, 43 में क्या पूछा, द नर्व्स दैट कैरी मैसेज टुवर्ड द सीएनएस, सीएनएस की तरफ लेकर जा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, और सीएनएस से मोटर की तरफ आएगा थ्रू मोटर, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्शन दिखाएगा इफेक्टर के थ्रू, और ये सेंस लेके गया है ना, तो यहाँ रिसेप्टर से लेके गया है, तो दिस इज द एफरेंट एंड दिस इज द इफरेंट। आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए गाइस, 43 का एफरेंट हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, एफरेंट हो जाएगा। देखो छोटा सा था, अगर आप ध्यान देते तो सही करते, कोई बात नहीं, गलत हुआ है तो अभी सीख जाओगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते, डोंट वरी, एक और सवाल देखते हैं कैसा है सवाल, आप मार्क करके आंसर बताना, ठीक, लेट्स सी कुछ इंटरेस्टिंग और है, या तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए अभी तो सवाल, लेट्स सी, जस्ट एक बार चेकआउट कर ले रहे हैं, हाँ कि लोड लिया है नहीं क्या, एक्चुअली क्या है ना यहाँ पे देख रहे हैं कि सवाल आपके लिए है क्या इंटरेस्टिंग वाले, इंटरेस्टिंग होने चाहिए ना, नहीं तो फिर वो मज़ा नहीं आता, राइट, देखते हैं, नहीं तो फिर आज के लिए इतना ही, एक सवाल ये अभी अभी मैंने बताया था, चलो एक्टिव रिकॉल कर दो, तो इसका इसका एक्टिव रिकॉल कर लो जल्दी से, कितना नंबर सवाल, 44, 44, ये निम्फ वाला बताया था ना कितने टाइम मोल्टिंग होती है, ये बताया था मैंने कितने टाइम मोल्टिंग हो रही है, चलो बताओ, ओके ये वाला मोल्टिंग वाला बताया था, कहाँ हो जा रहा है मोल्टिंग, यस वेरी गुड, आ गया आंसर, बहुत सही, मोल्टिंग हो रही है कितने, 13 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 45 भी देख लेते हैं, नंबर ऑफ बोन, वैसे नहीं आना चाहिए, इजी सवाल है, बोन कितने हैं वैसे टोटल, बोन बता दो कितने बोन्स हैं, चलिए गो फॉर इट गाइस, यहाँ पे ना चलिए बता दीजिए इसका आंसर आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोन्स कितने हैं, लेट्स सी, एक सेकंड चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट्स सी, मार्क करिएगा बोन्स कितने हो रहे हैं यहाँ पे, वेरी गुड, ओके 206 हो जा रहे हैं ना, 206 हो रहे हैं, यस वेरी गुड, और नेक्स्ट सवाल करते हैं यहाँ पे, एक सेकंड चेक कर ले रहे हैं, हाँ जी यहाँ पे बोन्स 206, डोंट वरी, आज के लिए हम लोग इतना रखें क्या, एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं कि आज के लिए इतना रख सकते हैं क्या, फिर हम लोग फिर रात 9 बजे जो है ना, एक इंटरव्यू टाइप सेशन है, अच्छे खासे स्कोर उन्होंने किए, तो आप उनके साथ बात करिए, जानिए कि यार कैसा रहा उनका सफ़र, उन्होंने क्या क्या मुश्किलें झेली, या फिर कौन सी किताबें की, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है किताबें कौन सी की, किताबें बता दो, लेकिन एक और सवाल आ रहा है, बोल रहा है ये भी करवा दो, ठीक है लेट्स सी, एक सवाल देख लेते हैं, लेट्स सी, एक सेकेंड, एक सवाल आ ही गया, मैंने बोला ठीक है लेट्स सी देखते हैं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं आज के लिए, कुछ बाकी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे कि हाँ भैया ये वाला एक बार बोल दो, लेकिन ये हुआ हुआ है तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन स्टिल आप ऐसे आप बता सकते हो जस्ट फॉर फन कि हाँ यू नो, आंसर बता देना क्या लगता है क्या होना चाहिए, बेसिक है वैसे तो, हाँ द जंक्शन ऑफ, ये सबको पता है, मेल्फिजन ट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं ना, मिड और हाइंड बोल रहे हैं, और हेपाटिक सिका का बात है, फोरगट और मिडगट, ठीक है फोरगट मिडगट पे हेपाटिक सिका, तो आज के लिए इतना ही रखो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रात 9 बजे, आप अन अकेडमी के ऐप पर आ जाना, वहाँ पे आप डाउट्स पूछ सकते हो अपने, या क्वेश्चंस जो होते हैं ना कि बताओ क्या लेना क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो वो सब पूछ ले, ठीक है, तो गाइस थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।